पहाड़ मची है तो गाय भी पालने पड़ेंगे, गाय पालनी पड़ेगी तो गोबर भी निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे, तो ये हमारा दूध निकालने का बर्तन और ये हमारा सिंहासन जिसपे कि हम बैठेंगे। भाई जी तू चिल्लाएगा, यहीं बैठ के चिल्लाएगा, लेटे लेटे चिल्लाएगा, चिल्लाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत, एक नई दिन, एक नई सुबह, और आप सभी लोगों के साथ। अभी देखो, अभी मैं उठा तक नहीं भाई, और बाहर धूप लग गया। ये देखो, दरअसल कल शाम को क्या हुआ ना, दुर्गेश भाई ये कार्ड फोल्ड कर रहे थे, तो सुबह वीडियो एडिट करते करते 1 बज गया था। तो अभी लेट में अभी नींद खुल रही है, अभी फिर से घास काटने के लिए जाना है। शैलेश भाई, भाभी जी जा चुकी है, मैंने कहा आराम से जाएंगे, आराम है कि नहीं, थोड़ा सा लेट में जाएंगे। और अभी मेरी वीडियो भी एडिट हो रही है ना, नीचे रास्ते पे होता नहीं है, चलता नहीं है ढंग से नेट, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे से अपनी जो वीडियो है उसको एडिट करके, उसको अपलोड करके, पब्लिश करके फिर निकलना चाहिए। अभी शायद वीडियो अपलोड हो चुका है, उठते हैं, मुँह धोते हैं और निकलते सीधे, ठीक है। तो दोस्तों अभी 8 बजने ही वाला, फिलहाल अभी निकलने वाले हैं हम। दुर्गेश भाई भी निकल रहे हैं नीचे तक, स्टेशन तक आएगा दुर्गेश भाई, क्योंकि दुर्गेश भाई ना आज बद्रीनाथ जा रहे हैं, मिल जाएगी ना कल, ना कल बहुत लेट तक आ रही थी, मिल जाएगी। तो नीचे चलते हैं, दुर्गेश भाई गाड़ी में बैठेगा, फिर हम वहाँ से नीचे तक हो सके खत्म, वहाँ नीचे पे तक गाड़ी में हम भी निकल जाएंगे। कालो ने मेरे को नीचे से देखा ना, बंकर वाला रो रहा भाई। लेने के लिए आ रहा हूँ मेरे को ऊपर। मैं नहीं तो कौन वे, मैं नहीं तो कौन, मेरा कालू नहीं तो कौन। कुछ लग गई तेरे को। चल 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 नीचे चला, चल। तो आ चुके हैं दोस्तों हम रोड पे, भाई आज भी जबरदस्त वाला धूप है भाई। ये देखो मौसम, ऐसे टाइम पे लग रहा है ना बारिश लग जाती है, क्या करें। मन की अगर हो जाती जैसा सोचता, अगर वैसा हो जाता तो क्या ही चाहिए था, लेकिन वैसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो चलो इस धूप में देखेंगे शैलेश भाई भाभी जी लोग नीचे पे काट रहे घास। ओ कालू, रोड भी देख दी नहीं तूने, तूने कब देखनी थी, ये स्टार्टिंग में ना इस रोड पे स्कूटी में बैठ चुका था। हाँ जी, काटे ले, पंगा पुंगा तो नहीं हुए। चितोणू। तो अभी 12 बज चुका है दोस्तों, और 12 बज गया यानी नाश्ते का टाइम हो चुका है। 12 बज चुका मतलब अरे मुंह पे 12 बज चुका। मुंह पे 12 बज चुका है, खाने का टाइम हो चुका है। अरे उधर मत जाओ, यहाँ पे फर्स्ट क्लास हवा चल रही है, यहाँ पे आओ तो सही एक बार। यहाँ पे खुला स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाएंगे। पानी होगा, बोतल तो मेरे पास है ना, पानी पता नहीं हो जाएगा। पीना तो हमने चाय है, चाय के साथ ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं है। अभी 1:30 बज चुका है दोस्तों, और 1.5 घंटे का आराम करने के बाद, मतलब 12 बजे से अभी तक हम ऐसे आराम कर रहे थे। आज तो मैं यहाँ पे सो रखा था, कल उधर रोड पे था, आज यहीं पे था, थोड़ा देर यहाँ पे सोया, बाकी आज भी वहीं रोड पे सो रखा था। तो जहाँ से कल एक ककड़ी आई थी वहीं से आधा ककड़ी आज भी हार गई है। ये ककड़ी खाएंगे और उसके बाद घास काटेंगे और सीधे घर निकल जाएंगे, ठीक है। अभी 1:30 बज रहा है, 4:30 बजे तक काटेंगे और फिर निकलेंगे। धूप भयंकर वाल हो रहा है भाई, यहाँ देखो कुत्ता वहाँ सो रखा है बिल्कुल नाली में भाई, उधर ठंडे में। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो ये वाला ब्लॉग ना कल वाला ब्लॉग है, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल नीचे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, उसके बाद ब्लॉग बनना ही नहीं, तो मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज शैलेश भाई भाभी जी और माँ वो 3 घास काटने के लिए गए हुए हैं, आज मैं नहीं गया क्योंकि यार मेरे जाने से कुछ हो नहीं रहा था। आज मेरा काम कुछ नहीं है, बस मैंने स्नान करना है और गाय लगा के आनी है, आज वही काम है। और शाम को 3रा T20 मैच भी है इंडिया का, तो मैच देखेंगे आज, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी आज कालू भी नहीं गया, देखो ना कालू यहीं पर सो रहा, जा तो रहा था लेकिन इसको ज़बरदस्ती नहीं ले गई क्योंकि आदत ख़राब हो रही है, रोज़ रोज़ घास के लिए जा रहा। तो चलो थोड़ा घर में भी ज़रूरी है, कुत्ता है कि नहीं, ब्लैक डी के साथ, ब्लैक डी कहीं नहीं जाता है भाई, ये रहता है घर ही पे।
इधर बंदर बुंदर लंगूर बहुत सारे जानवर आते हैं, तो उनके लिए घर पे कुत्ते का रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम सफाई वगैरह करेंगे, उसका नाना है, और चलेंगे गाय लगाने के लिए। ठीक है, वैसे मौसम तो बढ़िया हो रहा भाई। तो दोस्तों टाइम अभी 9:30 हो चुका है फिलहाल, अभी निकल रहा हूँ मैं गौशाला के लिए। अभी ना गोबर भी निकालना है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया, नहीं तो आराम से 10:30 बजे निकल जाता। लेकिन अभी गोबर वगैरह निकालना है, गाय भी बहुत दूर लगानी है, और सबसे मेन चीज़ नहाना है। वाली के बाद ना, अभी नहाएं अभी नहीं भाई, क्योंकि उसके बाद ये घास के काम ही में लगे हुए थे और अभी तक थकान नहीं मिटी वो घास काटने की। भाई साहब मेरे को तो केवल 2-4 दिन ही हो रहे, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से काट रहे हैं उनकी क्या हाल हो रखी होगी, वो किस तरह से कर रहे होंगे, भाई साहब मानना पड़ेगा उन लोगों को। तो फिलहाल अभी चलते हैं और गाय वगैरह लगा के आते हैं। आज कुत्ता अपने साथ ही है, अपने साथ ही रहेगा आज। ओए आजकल डर नहीं रहा भाई, तू कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्या? तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं, फटाफट गायें लगाते हैं बाहर और लगा के आते हैं। उसके बाद यहाँ तो बहुत गोबर है भाई, क्योंकि यहाँ स्पेस भी ज़्यादा है ना, वहाँ उधर से यहाँ तक। घर के पास वाली गौशाला थी, वहाँ अंदर का स्पेस कम था तो गायें बिल्कुल पास पास रहती थी, तो गोबर भी कम होता था। गोबर तो उतना ही होता होगा, लेकिन यहाँ पूरा फैल रखा ना इधर से उधर, तो ईजी भी है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ देखो दरवाज़ा कुछ इस तरह से यहाँ पे बंद करना पड़ता है ऐसे पत्थरों से। तो बस दोस्तों अभी आ चुके हम गाय लगा करके, अब निकालना हमको गोबर। अभी आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये देखो हाथों पे इतने तगड़े वाले छिलके निकल गए ना ये घास काटते काटते। अब जब अब बहुत ज़्यादा आफत आने वाली है गोबर निकालने भाई। हमारी बाची को ना घास नहीं था यार आज, आज हमारी बाची भूखी है। अपनी बाची को एक पू घास लेकर आऊँगा मैं, एक पुली घास लेकर आऊँगा, उसके बाद निकालेंगे हम गोबर। ठीक है चलो एक पुली लेकर आते हैं हम, पर कहाँ से लाएंगे? लाएंगे हम खेत से। बड़ी माँ उधर पर घास काट रही है ना, तो बड़ी माँ से मांग करके लाते हैं एक पुली, है कि नहीं? चलो ए ठुल माँ, सुन नहीं रही है भाई बड़ी माँ। ठुल माँ मतलब बड़ी माँ, ठीक है समझ रहे हो ना आप लोग? या पूद आओ नहीं मैं गुआ लेके आई आई कसम से फरायो की ये कि फरो खाली बाछुर जी के छोटो। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट निकालेंगे गोबर, आज तो बहुत आफत आने वाली है, इतना गोबर आज तक नहीं निकाला। ये है दोस्तों असली पहाड़ी लाइफस्टाइल, गांव की जो असली लाइफस्टाइल है ना वो ये है। पहाड़ मची तो गाय भी पालने पड़ेंगे, गाय पालनी पड़ेगी तो गोबर भी निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे तो चलिए दोस्तों फाइनली गोबर निकल चुका है और अब निकलेंगे सीधे घर। हाल ज्यादा खराब नहीं है, देख सकते हैं। इससे पहले जब गोबर निकाला था उस टाइम पे बहुत गीला वाला गोबर था, आज सूखा गोबर था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिलहाल अभी चलिए निकलते हैं। क्या कहानी भाई? वही खत्म हुई, खत्म हुई पर्चे में छक्के लेने था कसम पापा गएगी और हम मतलब शाम को घास से जब आ रहे थे तो नीचे जहाँ पे जाग देवता का मंदिर है वहाँ पे अखरोट का पेड़ है, वहाँ पे काठी अखरोट यानी मतलब जो हार्ड वाले अखरोट रहते हैं वाले अखरोट निकाले थे, इतने टेस्टी अखरोट है ना वहाँ पे, हर मतलब हर साल वहाँ के अखरोट खाते होंगे हम लोग। दोस्तों अभी 12 बज चुका है, अभी घर हम पहुँच चुके हैं, अब होगा स्नान पानी। असली 12 तो यहाँ देखो सकल पे पड़ गई, फटाफट नहाएंगे, स्नान पानी होगा, कपड़े वपड़े धोएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद होगा थोड़ा आराम बिल्कुल, क्योंकि 3 दिन की अभी जो थकान है वो मिटी नहीं है, क्योंकि वो तो क्या ब्याल वे एजेंट गाँव में पार गई। तो अभी दोस्तों ताऊ जी लोग यहाँ पे ना ये पेड़ से वो पत्ते काट रहे थे, और ये पेड़ देखो कितना बारीक पेड़ है, और ताऊ जी ना यहाँ तक जा रखे थे ये भाई जी। चलो तो अभी शाम का 4 बज चुका है, मैं सुबह आप लोगों को बोल रहा था ना
कि आज काम बिल्कुल नहीं है, आज अपना बिल्कुल आराम है, गाय लगाना है, स्नान पानी करना है बस। लेकिन काम आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी घास लेके मुझे उधर गौशाला जाना है और गायें ढूंढ करके घर ला करके दूध निकाल करके गायों को घास दे करके फिर वापस निकलना है। और माँ पापा शैलेश भाई और भाभी जी अभी खेती में है और वो शायद आज पूरा निपटा करके ही आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ से वहाँ आने तक हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ऐसा करके आज जो भी है आज तो ही कर। तो चलो मैंने कहा चलते हैं, वैसे आज मैच भी था पर देख लेंगे यार, दूसरी इनिंग देख लेंगे, पहली इनिंग आज उधर ही बिताएंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी निकलते हैं, घास लेके जाना उधर, साथ में मेरा ब्लैक डी और कालू, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में दो दो कुत्ते अपने साथ भाई, कोई डरने की बात नहीं है। डरने की क्या बात है जब कालू और ब्लैक डी अपने साथ है, जो हाथ लगाए मुझको उसकी क्यों खात है, क्यों भाई कालू। दोस्तों कसम से बहुत आफत आ गई यार, मतलब मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब ना, रोज गाय अपना पे उधर से जहाँ लगाए रहता है वहाँ से घर आ जाती है, मतलब बीच रास्ते तक। आज भाई उधर लोगों के खेत में चले गए जहाँ लोगों ने घास ही नहीं काटा, वो भाई साहब हालत ख़राब हो गई कसम से, इतना कुत्ता बन के गया ना मैं भी वहाँ। चलो फाइनली आ चुकी है गाइयाँ, तो आज घर जाके डांट तो खानी पड़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, डांट खा देंगे, फिलहाल ये आ चुके हैं, एक दिन घर का पूरा काम मिला और वो भी मैंने ढंग से नहीं कर पाए, क्या करें अभी, मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपीरियंसड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ही अभी, आप पता कहीं कसम से यार। भाई जी ये तो अभी मैंने साफ कर दिया भाई, यहाँ से पूरा ऊपर तक ये जैकेट तक गंदा वाला कुम्बर से भर गया था, इसलिए मैंने ये निकाला, करम मक्की झेलनी पड़ती है गाँव में घरों में। तो चलो दोस्तों अभी फाइनली गायें बंद चुकी है और अब निकालना है हमको दूध, थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे गायों को और फिर निकालेंगे दूध। ठीक है, हमारी अग्नि परीक्षा होने वाली है, वैसे एक बार निकाला है हमने लेकिन उस टाइम पर दूसरी गाय थी और आज जिस पे निकाल रहा हूँ वो दूसरी गाय है, तो देखते हैं किस तरह का आज हमारा ये दूध निकालने का एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो चलिए पहला सबसे पहला अधिकार इसका है क्योंकि इसकी माँ है, तो इसकी माँ का जो दूध है सबसे पहले इसको अधिकार है अपनी माँ का दूध पीने का। भाई ज्यादा मत पी, हमारी भी देगी इधर, हमको नहीं मिलेगा दूध तो क्या फायदा हमारा गाय पालने का, है कि नहीं, इसलिए हमारी भी सोच थोड़ा सा। तो चलो दोस्तों अभी इसने अपने बदले का पी दिया है, अब इसको हम बांधेंगे। ओए हो गया घास भी तो खाना है तूने, ऐसा थोड़ा नहीं तू दूध ही दूध पे चल रहा होगा तेरा, चल। तो ये हमारा दूध निकालने का बर्तन और ये हमारा सिंहासन जिसपे की हम बैठेंगे। दोस्तों अभी फाइनली दूध निकाल दिया लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं निकला भाई, मेरे पे दे ही नहीं रहा दूध। गाय में होती क्या है ना, जैसे माँ को आदत है तो जैसे ही माँ दूध निकाल दे उसको पता लग जाता है कि माँ निकाल ले, लेकिन मेरा जो निकालने का तरीका शायद उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, दूध ही नहीं निकल रहा भाई, बोले चुप हो रही गाय लेकिन दूध निकल ही नहीं रहा, तो माँ बोल रही है कि रहने दे सुबह मैं निकालूंगी। तो चलो फिलहाल अभी निकलते हैं, बाय 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 गाइज, बाय बाय सारी गाइज, बाला फिक्रू भाई मेरी छोटी वाली गाय, तेरे को थोड़ा रुक जा घास दूंगा, घास भी तो देना यार, मैं तो भूल ही गया घास देना। तो चलिए दोस्तों अभी घास भी दे दिया है, लेट्स गो निकलते हैं अब। तो दोस्तों आज मैंने एक चीज सीखी और शायद आप लोगों को भी वो चीज सीखनी चाहिए, अगर आप लोग मेरी तरह कोई नया गायों से दूध निकाल रहा है तो प्लीज़ उनके साथ ना जोर जबरदस्ती बिल्कुल मत करना यार। मैंने एक चीज़ देखा, जैसे मैं दूध निकाल रहा था ना तो हमारी गाय इस तरह की आवाज़ कर रही थी क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, उसको दिक्कत हो रहा था, तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था, मुझे लग गया था कि इसको दिक्कत हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई सही तरीका नहीं है दूध निकालने का तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहले सीखिए किस तरह से निकालना है। आपको YouTube पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जिनसे सीख करके आप लोग दूध निकाल सकते हैं, नहीं तो पता है बहुत दिक्कत होता है यार गायों को, वो चीज़ हम फील नहीं कर सकते हैं लेकिन रियलिटी यही है कि उनको दिक्कत बहुत होती है। तो ठीक है, प्लीज़ जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें और सही तरीके से दूध निकालें। हाँ जी पुंगी, ऐसे सूर्य कुमार ने मारा मार दिया,
ओ भाई साहब रन कितनो रहे भी। तो दोस्तों सूर्य कुमार हमारे 51 रन पे खेल रहे हैं रोज की तरह, 15 ओवर 5 बॉल और 104 रन। भाई साहब 150 से कम रन बने ना। चलो दोस्तों मैच देखेंगे फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों 12 बॉल 12 रन भाई साहब, ये तो इसी ओवर में मैच खत्म। और ये यार हट आउट। अभी बताइए दोस्तों किस किस को भरोसा है कि इंडिया जीतेगा? भले मैच वीडियो अंत तक खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी हाँ ईमानदारी से। ओ भाई बॉल ले यार, बॉल ले, बहुत बढ़िया समी यार, लड़े बहुत अच्छा है। कौन जीतेगा? नहीं आपको मैच का हाल पता नहीं, लेकिन फिर तू कैसे बोल दो कौन जीतेगा? अरे तुमको पता नहीं है भाई कितना रन कितने बॉल में कितना जीतेगा, भरोसा है भाई। एक ओवर में दो रन चाहिए। ये देख छह रन, छह पे छह। अभी ये यहीं पे चिल्लाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ अभी। सच में चिल्लाऊंगा? चिल्लाएगा तू ऐसे कैसे काम हो? अभी तो देख, तू देख, तू ये बोलते हुए जाएगा कि कोई बात नहीं, अच्छा कोशिश तो। यहाँ लगाओ ध्यान, यहाँ लगाओ ध्यान। 2-3-4 गेम खत्म। आउट आउट, चिल्ला चिल्ला। भाई जी तू चिल्लाएगा, यहीं बैठ के चिल्लाएगा, लेटे लेटे चिल्लाएगा, चिल्लाएगा। अब आ रहा ना थोड़ा जोश में? अरे नहीं यार मुझे जोश नहीं, रिदम में आ रहा, रिदम में आ रहा, अभी जोश आएगा, जोश आएगा। भाई गजब, 4-5 मिलर स्ट्राइक। ये अबे क्या था ये? अब बोल यार, वाइड दिया प्लस। पर भाई मैच बहुत जबरदस्त है, सोचा था तूने जबरदस्त इसको बनाया, इनसे भारत के तरफ जीत थी। अबे भाई साहब इस समय देख कितना अच्छा बॉलिंग करा है, विराट कोहली जैसा आदमी है, क्या छोड़ दे इतना। अरे भाई प्रेशर था, प्रेशर में यार प्रेशर और कुछ नहीं, छोड़ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत तरसा तक मार चुका है उसका कैसा प्रेशर था। लगा तूने मैच यहाँ तक जाएगा, मैच में मजा आया ना? अरे मुझे लगा नहीं था कि मैच यहाँ तक जाएगा, मुझे लगा था भारत कप का जीत जाएगी यार। एक बार तूने बोला था अब इंडिया जीते ना जीते लेकिन मजा बहुत आ गया, एक बार बोला था तूने 10 या 11 ओवर में। तो चलो दोस्तों मैच में बहुत मजा है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैच बहुत बढ़िया हुआ, खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, होता है प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रेशर वाला मैच था, ऐसा छूटता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, मजा आ गया, मजा आ गया। और भाई ने मैच बहुत बढ़िया देखा लेकिन लास्ट में सपोर्ट नहीं मिल पाया, जबरदस्त बढ़िया यार, बहुत बढ़िया।